अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू क्लासेस का जो आगाज़ हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर्स अटेंड करने में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो नोटिफिकेशन बार में हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आया होगा, जो कि आपने लाजमी तौर पर चेक करना है, क्योंकि उसमें जो है इस चीज़ को मेंशन किया गया होगा कि आपके लेक्चर्स जो है वो अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, आपके वैसे तो लेक्चर अटेंड करना सब में ज़रूरी है, ठीक है, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप अगर एक लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो दूसरे वाला लेक्चर जो है वो ओपन ही नहीं होगा। ये देखना आपने जो है लाजमी है। अब इस तरह से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि सर हम लोग लेक्चर पूरा अटेंड कर रहे हैं, फिर भी हमारे टिक का जो है वो निशान नहीं आ रहा, मतलब ग्रीन वो चीज़ नहीं आ रही। इसका क्या तरीक़ेकार है? सबसे पहले ये है कि आपने LMS को बहुत देर के लिए लॉगिन नहीं छोड़ना, इस वजह से भी आपका जो है लेक्चर अटेंड करने के बावजूद भी वो टिक नहीं आता। इन केस ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें भी अगर टिक का निशान ना आए तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक लेक्चर लिया, ठीक है, उसको आप लॉग आउट कर दें LMS को, दोबारा से लॉगिन करेंगे और लेक्चर को जो जैसे ही आप सुनेंगे जब वो 25% होगा तो आपका टिक का निशान आ जाएगा, पहली बात। और ऐसे लेक्चर्स, ठीक है, जो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके लेक्चर्स अटेंड करना ज़रूरी है, उनमें क्या है, अकेले लेक्चर ज़रूरी नहीं है, लेक्चर्स के साथ उनकी जो एक हैंडबुक है, मतलब जो आपने वो डाउनलोड करने के लिए, वो भी आपको उस पेज पे जाना भी ज़रूरी है। उसके बाद में जो उसके क्विज़ हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। और एक बात याद रखें, वो क्विज़ चाहे उनके जो है मार्क्स नहीं है, पर ये आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनमें से भी कुछ जो है वो आपके मिड टर्म के पेपर्स में रिपीट हुए होते हैं, ठीक है, ये इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं, ये आपने अटेंड लाजमी करनी है। इन तीनों चीज़ों को जब आप करेंगे तभी आपका नेक्स्ट वाला लेक्चर ओपन होगा। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स अटेंड करना ज़रूरी है, एक बात याद रखें, जब इनके क्विज़ आएंगे तो जब तक आपके एक रिक्वायर्ड लेक्चर पूरे नहीं होंगे आपके क्विज़ ओपन नहीं होंगे। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट तो जानते हैं कि आपके जो है क्या तरीक़ेकार है, पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो लेक्चर्स को बाकायदगी से लें, ठीक है, ताकि आपके जो है क्विज़ वगैरह और अदर एक्टिविटीज़ भी आप परफॉर्म कर सकें। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।